हेलो बच्चों, मैं दुष्यंत भाटी O2N डिजिटल एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। बेटा, मैं आज आपको एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट सेकंड पढ़ाऊंगा और बच्चे ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आपको क्लास 12th की बोर्ड में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा इन क्वेश्चनों में से, ये मेरा आपसे वादा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, और कॉस इनवर्स x में भी बेटा इन टर्म्स ऑफ y अलोन। ये जो इन टर्म्स ऑफ y अलोन आपको लिखा हुआ है, देखिए इन टर्म्स ऑफ y अलोन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूंगा आज। देखिए, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x लिखा हुआ है, तो इन टर्म्स ऑफ मतलब y का मतलब है कि आप x की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे। कैसे? आप इसको लिखेंगे cos y इक्वल टू x, cos y is equal to x, अब dwr to x करेंगे, dwr to x, तो देखिए cos y का क्या आएगा बच्चे, cos y का हो जाएगा माइनस के sin y dy upon dx is equal to 1, यानी dy upon dx is equal to आ जाएगा 1 upon sin y, यानी हो जाएगा बेटा माइनस के cos x y। अब अगेन डेरिवेटिव, अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका अगेन करेंगे आप तो देखिए क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और कॉसेक वाई का क्या हो जाएगा, कॉसेक वाई डॉट कॉट वाई, और वाई का डिफ्रेंशिएशन दोबारा करेंगे आप लोग तो दोबारा में कैसे क्या होगा वाई का, डी वाई अपॉन डी एक्स, और dy upon dx की वैल्यू बच्चे क्या आई हमारे पास में, माइनस के cos x y, तो dy upon dx के प्लेस पर आप क्या लिख लेंगे, माइनस cos x y, क्या लिख देंगे, माइनस cos x y, तो जाएगा बच्चे माइनस के cos x y cot y, माइनस माइनस प्लस cos x स्क्वायर y cot y, और ये हो जाएगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, और ये हमको प्रूफ करना था। देखिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए, y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। देखिए बेटा, dwr टू x, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स माइनस 3 साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस 4 साइन का क्या हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे बच्चे। अब अगेन डेरिवेटिव करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इस एक्स को आप किधर लेके जाएंगे, तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, ये फर्स्ट ये सेकेंड, तो एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 3 साइन का कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स। भाई एक्स का क्या कर देंगे, लॉग एक्स का आप दोबारा डिफरेंशिएशन कर देंगे लॉग एक्स का, तो दोबारा में क्या जाएगा बेटा, 1 अपॉन एक्स। वैसे ही माइनस 4 कॉस एक्स का क्या आएगा, साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स को लिखेंगे आप 1 अपॉन एक्स। अब ये जो एक्स आया हमारे पास है बेटा डिनोमिनेटर में, इस एक्स की मल्टीप्लाई आप इधर ले जाएंगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू माइनस 3 बार ले लिया, सॉरी माइनस बार ले लिया, तो क्या जाएगा 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन
log x। अब ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू किसकी हमारे पास में, y की, यानी x स्क्वायर, और d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे बेटा, y2 x y1 इज इक्वल टू माइनस, ये पूरी वैल्यू किसकी है, y की, तो बेटा x स्क्वायर y2 माइनस x y1 प्लस के y इज इक्वल टू जीरो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए dWr2x y का डिफरेंशिएशन किया बच्चे dy अपॉन dx। अब a कांस्टेंट टर्म है, a क्या है, कोई कांस्टेंट टर्म है, e की पावर mx का करेंगे, e की पावर mx का e की पावर mx, और mx का डेरिवेटिव करेंगे प्लस b e की पावर nx, और nx का डेरिवेटिव करेंगे बच्चे हम, देखिए a e की पावर mx और mx का m प्लस b e की पावर nx और nx का n, तो ये आ जाएगा a m e की पावर mx प्लस b n e की पावर ये dy upon dx हो गया। अब अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा इसका, अगेन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। अब हम देखिए अब क्या करेंगे, आप इसमें वैल्यू रख देंगे कैसे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन, और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है बच्चे, ये देखिए ए ई की पावर एम एक्स डॉट एम प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स, ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चे, डी वाई अपॉन डी एक्स की, प्लस एम एन, और वाई की वैल्यू क्या है, ये ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। अब हम इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे बच्चे, देखिए कैसे, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, एम की मल्टीप्लाई करोगे आप अंदर, ए ई की पावर एम एक्स एम स्क्वायर प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स प्लस ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स प्लस ए एम एन अब बेटा माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दो आप, तो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स माइनस ए की पावर एम एक्स एम स्क्वायर माइनस बी एम एन माइनस ए एम एन माइनस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स प्लस, अब बेटा ए एम स्क्वायर से कैंसिल हो गए सारे, क्या जाएगा इसका इक्वल टू जीरो,
तो मुझे ये की लाना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू जीरो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए डी डब्ल्यू आर टू एक्स करेंगे तो वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स 500 e की पावर 7x और 7 का बेटा 7 प्लस 600 e की पावर माइनस 7x माइनस 7। अब देखिए अगेन डेरिवेटिव, पहले इसको अरेंज कर लो, 500 इंटू 7 e की पावर 7x माइनस 600 लिखिए अगेन डेरिवेटिव, देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 500 इंटू 7 ई की पावर एक्स का क्या होगा बेटा, ई की पावर एक्स डॉट 7x का दोबारा डेरिवेटिव किया तो क्या आ गया 7 माइनस 600 इंटू 7 ई की पावर माइनस 7x और माइनस 7x का माइनस 7 बेटा 500 77 जा 49 ई की पावर 7x 77 जा 49 प्लस के ई की पावर माइनस 7x। अब हमने इसमें से 49 हमने इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x बेटा ये किसकी वैल्यू है, वाई की। और यही हमें प्रूफ करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, e की पावर y इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, हमने लॉग लिया इसका बोथ साइड तो लॉग लेंगे तो बेटा क्या होगा y log e इज इक्वल टू log 1 माइनस log x प्लस 1। देखिए log v की वैल्यू 1 होती है और y का डेरिवेटिव क्या होगा dy अपॉन dx, log 1 का 0 माइनस log x का 1 अपॉन x प्लस 1। अब बच्चे अगेन डिफरेंशिएशन, तो क्या जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू, देखिए इसका डेरिवेटिव करेंगे आप तो इसमें डिवाइड रूल लगाएंगे, एक्स प्लस वन का स्क्वायर एक्स प्लस वन डी अपॉन डी एक्स वन माइनस वन वन का जीरो माइनस एक्स प्लस वन का क्या आएगा बेटा वन, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो वी कैन से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि डी एक्स सॉरी ये डी वाई अपॉन डी एक्स ही होगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आई है मेरे पास में, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आई है माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का ये। अब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे बेटा तो क्या जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, जो किसके इक्वल है
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे अब। वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स, टेन इनवर्स का, टू टेन इनवर्स एक्स डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर का टू एक्स और डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, तो टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इजिकल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, वन प्लस एक्स स्क्वायर को बेटा इधर ले जा रहा हूं इजिकल टू टू टेन इनवर्स एक्स। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। अगेन डिफ्रेंशिएशन, देखिए ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू टू टेन इनवर्स का क्या होगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब बेटा वन प्लस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे आप, ये जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स अब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, y1, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा, y2। टू वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर डॉट वाई टू प्लस टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन माइनस टू इजिकल टू जीरो, माइनस टू कर दो या इजिकल टू टू कर दो, और यही हमें प्रूफ करना था। देखिए इस तरह से हमारी एक्सरसाइज पूरी खत्म हो गई है। और बेटा मैं कह रहा हूं आपसे 12 से लेके 17 तक एक क्वेश्चन आपके पेपर में आपको जरूर मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है।